आपको सिर्फ इनकी वैल्यूज को एक्सचेंज करना है, जो नीचे होगा वो बढ़ जाएगा और जो
नीचे नहीं रखी जाती है आंसर में। तो यहाँ हमने जिस जिस में माइनस की साइन अगर नीचे रखी होगी वो आंसर गलत कहलाएगा। तो इनमें हम क्या करेंगे, छोटा सा चेंज करेंगे, 1/-13 की जगह -1/13 लिखेंगे, सेम एज इसमें भी 19/13 की जगह -19/13 लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एडिटिव इनवर्स में दोनों का जो आंसर है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। और ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको फिर से दिखा दो, जैसे कि हमें एग्जांपल ले लें, -13/19 हमें क्वेश्चन में दिया था और हमने आंसर निकाला -19/13। तो ये 13 और 13 इससे कट जाएगा, माइनस वन आएगा, और ये 19 और 19 इससे कट जाएगा, माइनस वन आएगा, -1 × -1 का आंसर विल बी 1। सो ऑलवेज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1 एंड ऑलवेज द आंसर ऑफ एडिटिव इनवर्स विल बी 0। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। Keep practicing at your home. Stay home, stay safe. Thank you.